उसको वेरीफाई करके जो चालू करवाना है या बंद रखना है? चालू करवाना है। तो चालू करवाना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, करते समय जो डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड किए थे आपके पास अवेलेबल है कि नहीं आधार कार्ड आपका? हाँ आधार कार्ड तो अवेलेबल है। ओके सर, लाइन पर रहिए, सबका वेरीफाई करके चालू कर दिया जा रहा है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, चेक कीजिए मोबाइल नंबर पे एयरटेल पेमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन मैसेज मिला होगा चालू करने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसा कॉल आ रहा है और बोल रहा है कि आपके मोबाइल पे ओटीपी गया, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक बंद हो गया, तो एक्टिवेट कराने के लिए आपको एक ओटीपी बताना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा समझ में आ जाए कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरा सुन लीजिए, फिर आगे में आप लोगों को पूरा इसका क्लियर खुलासा करके आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए मोबाइल पे मैसेज मिला है सर चालू करने के लिए। अच्छा अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ इसको तो देख लिए, यहाँ पे लिखा है एयरटेल थैंक्स ऐप लॉगिन लिख रहा है यहाँ पे। हाँ जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, ये आपका वेरिफिकेशन करके यहाँ से चालू करने के लिए मैसेज मिला है। मैसेज में नंबर क्या है, नंबर एक बार मैच करिएगा? मैच तो करा देंगे, बट यहाँ पे लिखा है एयरटेल थैंक्स ऐप लॉगिन लिख रहा है यहाँ पे। जी सर, मैं आपका बात समझ सकता हूँ सर। जैसे कि आपका वेरीफाई यहाँ से ये डिवाइस में आपका अकाउंट यहाँ से लॉगिन किया जाएगा और आपका अकाउंट में जो यहाँ से गड़बड़ी हुई है उसको सुधार करके आपका अकाउंट चालू किया जाएगा। क्या गड़बड़ी हुआ है इसमें? जैसे कि आपका आधार कार्ड जो है डेट ऑफ बर्थ आपका मैच नहीं खा पा रहा है सर, इसी के कारण कॉल किया गया आपको। अच्छा, ये एमपिन तो हम बहुत बार फॉरगेट कर ले, तभी कैसे मैच कर गया था? आपका आज की डेट में यहाँ पर हो रहा है ना सर? आज की डेट में, आज तो हम फॉरगेट किए हैं, अभी एक घंटा पहले। आधे घंटे पहले आप किए हैं ना, तो आपको कंपनी की तरफ से कॉल किया गया, तो उसको चालू करवाना है कि नहीं करवाना है? कंपनी का नंबर तो ये नहीं रहता है, आप 10 डिजिट का नंबर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो हम लोग गाली गलौज करके इसको फोन काट दिए। उसके बाद क्या होने वाला था मेरे साथ वो जान लीजिए। ये अगर जैसे आप उसको हम ओटीपी बता देते हैं, तो हमारा थैंक्स एप्लीकेशन में जो आप लॉगिन किए हैं अपना मोबाइल नंबर डाल के, वहां पे उसका लॉगिन हो जाता है और वहां से वो वॉलेट टू वॉलेट अपना पैसा ट्रांसफर कर लेता है। तो ट्रांसफर कर लेता तो यहाँ पे क्या हो जाता, हमारे अकाउंट में जितना भी पैसा था सारा कुछ पैसा वो ले जाता अपना अकाउंट में, तो हमारे साथ हो जाता फ्रॉड। तो इसमें आपको कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपका बैंक अकाउंट से लॉगिन होके हुआ है, तो कंपनी भी कुछ नहीं कर पाता और केस भी करते तो जल्दी आपका केस लेता है नहीं थाने में। तो ये आप लोगों को बता दिए। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को किसी एयरटेल पेमेंट बैंक से, कंपनी से कभी फोन आता ही नहीं है, कोई भी बैंक नहीं, किसी भी बैंक से आपका आपके पास कॉल हो या फिर मैसेज आएगा ही नहीं। मैसेज आएगा तो उसमें आपको कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ मैसेज में जो आपका बैंक में प्रॉब्लम है वो बता देगा। बट आप लोगों को ओटीपी वगैरह कुछ शेयर नहीं करना है, ना आपको एमपिन शेयर करना है, और एमपिन आपको हर 15 दिन में आपको चेंज करते रहना है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जगह लाइक, चलो कुछ सब्सक्राइब, चले आज वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।